हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग पे। और देखिए, अभी सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ इधर सुबह के नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तो मुझे आज बनाना है आरू के डिमांड की मैगी, क्योंकि आरू की कई दिनों से डिमांड हो रही है कि मम्मा मुझे मैगी बना के दो, मैगी बना के नहीं दे रही हो। तो मैंने सोचा चलो आज संडे है, नाश्ता भी हो जाएगा और आरू की डिमांड भी पूरी हो जाएगी। तो मैं उसी की तैयारी करने के लिए लग गई थी। तो मैंने मटर को छील लिया था, मटर डालनी है मुझे, और टमाटर कट करना है और प्याज कट करना है। आलू तो क्या है, खाना उना तो नहीं है, लेकिन बस उसको जो चढ़ जाए तो वो उसको वो चाहिए। बस उसने कई दिन से दिमाग में रख लिया था कि मुझे मैगी खानी है, तो मम्मा मेरे को मैगी बना के दे, तो इसीलिए उनको मैगी खाना था। तो मैंने कई दिन से मैं टाल रही थी मन का बेटा, जिस दिन संडे आएगा उसी दिन बनाएंगे। और लंच में तो मैं इसीलिए नहीं देती हूँ, क्या है उसे पेट भी निभरता नहीं है और थोड़ा बहुत खाएगी और बाकी का छोड़ देगी। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ लंच में ना दूँ तो ज़्यादा ही अच्छा है। तो ये पराठा देते हैं तो थोड़ा बहुत खा लेती है, ज़्यादा नहीं खाती है पर थोड़ा बहुत तो ये खा लेती है। और लंच बनना तो लंच हमारा आरू पूरा बचा के लाती है। और मैं प्याज कट कर रही थी तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे, तो कह रही है मम्मा आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं तो आप चश्मा लगा लो दोबारा से। तो मैंने कहा नहीं बेटा, थोड़ी सी प्याज कट करनी है मुझे, तो कोई बात नहीं है, मैं ऐसी कट कर लेती हूँ। तो मैंने गैस को कर दिया है ऑन और मैं बनाऊंगी, छोटा सा कुकर है इसमें बनाऊंगी, छोटे वाले कुकर पे। तो कह रही है आज तो मम्मा बहुत अच्छी हो, आप तो मेरी पसंद की मैगी बना रही हो। तो कुकर में मैंने सरसों का ऑयल डाल दिया है। मैं अपने खाने में अक्सर ही सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, पर इसमें मैंने प्याज डाल दिया है। प्याज को मैंने हल्का हल्का भुना था। और क्या है फ्रेंड्स, मेरी सर्दी की वैसे थोड़ी आवाज़ चेंज है, थोड़ा मुझे सर्दी हो गई है इस बार। पता नहीं क्यों मुझे बार बार सर्दी हो रही है, एक महीना बीता नहीं और सर्दी हो गई। और ठंड भी यहाँ पड़ती नहीं है गुजरात में, लेकिन पता नहीं क्यों सर्दी पीछा ही नहीं छोड़ रही है इस बार। तो मेरी थोड़ी आवाज़ चेंज है। और मैंने टमाटर मटर को ऐड कर दिया था, फिर इसको अच्छे से भून के और इसमें थोड़ा सा मसाला डाल दिया था मैंने। मिर्ची तो नहीं डाली है क्योंकि आरू नहीं खाएगी मिर्ची, तो मिर्ची मैंने नहीं डाली थी। और मुझे तो क्या थोड़ा तीखा पसंद है, तीखी अच्छी लगती है, पर आरू की वैसे मुझे नहीं डालना है मिर्ची, वरना तो आरू खाएगी भी नहीं बिल्कुल। और एक गैस पे मैंने चाय बनने रख दी थी, और इधर मेरी मैगी का पानी भी बॉयल हो गया था, तो पानी बॉयल हो गया और मैं इसी में डाल देती हूँ मैगी। और मैं सच बताऊँ तो मुझे क्या है, थोड़ी हल्की ग्रेवी होती है ना मैगी में, वो वाली मैगी अच्छी लगती है। और ये सुबह सुबह में नाश्ते में बना रही हूँ तो मुझे सूखी बनानी है, वरना तो मुझे अपनी पसंद से थोड़ी हल्की ग्रेवी रहती है, वो वाली मैगी पसंद है मुझे। और मैंने ऊपर से डाल दिया था मैगी मसाला, आज ये पैकेट मैंने ख़त्म कर दिया मैगी का, काफी दिनों का रखा था ये, थोड़ी थोड़ी आरू के लिए बना के दे देती थी। और चाय भी रेडी हो गई है, मैगी भी रेडी हो गई है, और थोड़ी भुननी है मुझे पापड़। ये संडे संडे है आज, तो ये चीजें बना लेते हैं, पापड़ है और मैगी है, वरना तो ये है इनका ऑफिस चालू रहता है तो कभी खाना बनता है या कभी कुछ है, तो ये चीजें कभी नहीं बन पाती है नाश्ते में। Thank you.
और मेरी यम्मी यम्मी मैगी बन के हो गई है रेडी, और चाय भी बन गई है। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं। ये लोग बैठे थे धूप में, इधर थोड़ी धूप आ जाती है बालकनी में, कमरे में सीधे धूप आती है, और यहाँ तो अभी बहुत तेज तेज धूप निकल रही है, बिल्कुल गर्म जैसा मौसम हो गया है, गर्मी जैसी हो गई है। अब बाबू को हमारी, इनको भी खांसी आ रही है। तो चाय नाश्ता हो गया था, मैंने तो जल्दी फटाफट कर लिया था क्योंकि आरू तो हमारी देर करती है, तो आरू बैठ के नाश्ता कर रही है, और मैंने जल्दी से नाश्ता करने के बाद में मुझे काम करना है। तो किचन के कितने सारे सुबह सुबह के काम होते हैं, सुबह के कामों से तो बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिलती। और क्या है, आज संडे है तो इनको बाहर भी जाना है, थोड़ा काम है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी मेरा काम हो जाए, ये जाए तो, क्योंकि ये है बाबू, इनके साथ में थोड़ा खेलता रहता है तो मेरा काम आसान हो जाता है, वरना तो बहुत परेशान करता है। और नाश्ते के बाद मैंने दोपहर के खाने की भी तैयारी कर रही थी, क्योंकि दोपहर में मुझे खाने में बनाना है कढ़ी चावल। तो कढ़ी में तो क्या है, टाइम लगता है, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट बना लेते हैं, क्योंकि ये जब तक जाएंगे, ये इनको जाना है 11 बजे, और बाबू हमारे अब मेरी पैर पकड़ के खड़े हुए हैं, उनको ये स्लिप पकड़ के खड़े हो एकदम से लटक जाते हैं, तो बहुत डर रहता है इनका। और ये मैंने सोचा जब तक कड़ी बनेगी मेरी, जब तक कितने सारे काम हो जाएंगे। और देखिए पापा आए जैसे इनके, इन्होंने पापा को पकड़ लिया, पैर पकड़ के खड़े हो जाते हैं। और मुझे आज कड़ी बनानी है आलू की, तो मैंने आलू को अच्छे से फ्राई कर लिया, आलू गल चुके हैं, तो इसमें प्याज का तड़का भी लगा दिया था मैंने, तो बेसन घोल के डाल दिया है, और इसमें डाल देती है मट्ठा, क्योंकि ये कढ़ी बनने में टाइम लगेगा, जितनी देर में कढ़ी बनेगी उतनी देर में कितने सारे काम हो जाएंगे। ये कढ़ी तो धीरे धीरे बनती है तभी टेस्टी लगती है। उबल चुकी थी, उसके बाद में मैंने बहुत सारे काम कर लिए थे, और इतने में मेरी कढ़ी भी बन के रेडी हो गई है। तो देखिए यम्मी यम्मी कढ़ी मेरी बन गई है। तो इसमें मैंने लगा दिया था तड़का अजवाइन को, और प्याज और धनिया, और क्या बोलते हैं हींग। तो देखिए हमारी कढ़ी का कलर एकदम से कितना अच्छा है, और कढ़ी तो बहुत अच्छी लगती है, मेरी तो फेवरेट है। तो कढ़ी बन गई थी, उसके बाद में मैंने बिस्तर साफ करना है, बेड ऐसी पड़ा है, बच्चों ने चादर खींच खींच के पूरी खराब कर दी थी। तो ये संडे, तो आज मुझे चादर भी चेंज करनी है बेड की, हर संडे की संडे चादर चेंज कर देते हैं, क्यों बच्चों में तो जल्दी गंदी होती है। तो इधर मुझे दूसरी चादर बिछाना था, क्योंकि फिर झाड़ू पोछा करनी है, और बच्चों को भी नहलाना है, और ये मेरे कपड़े उपड़े तो धुल गए थे। तो आज संडे है, दोनों बच्चे नहाएंगे, और इनके पापा गए, तो बाबू भी बहुत परेशान कर रहे हैं आज तो। और चादर जैसी मैं बिछाती हूँ, कहीं इधर से खींच लेते हैं, कहीं इधर से खींच लेते हैं। तो ये पिलो का कवर ही मुझे चेंज करना था, क्योंकि गंदा हो गया है। और इधर देखिए हमारी आरू की नौटंकी, दुपट्टा मिल गया था मम्मा का, तो साड़ी पहन रही है, पजामी फांस रही, कह रही मम्मी मुझे साड़ी पहना दो। मैंने कहा बेटा मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मम्मा को बहुत सारे काम है, अभी बच्चों को नहलाना भी है, और अभी मेरा खाना भी अधूरा रह गया है, कढ़ी बन गई है, और चावल रोटी मैं अभी बाद में बनाऊंगी गरम गरम। तो देखिए अभी मैं लगाऊंगी झाड़ू लगा के, मैंने लगाया था पोछा, पोछा ये डंडे से लगाऊंगी तो जल्दी लग जाता है पोछा। और आरू की हमारी अभी नौटंकी चालू, उनको तो साड़ी पहनना है, साड़ी पहनने का आरू को पता नहीं कितना शौक है। और पोछा लगाने के बाद में मैंने दोनों बच्चों को नहला दिया था, बाबू को मैंने तैयार कर दिया है, और आरू मेरी अभी तैयार नहीं हुई है। तो आरू के मुझे बालों में कंघी करना है, क्रीम नहीं लगाई है, आरू को तैयार भी नहीं कराया। तो आरू बोल रही थी मम्मा आपने बाबू को तो तैयार कर दिया, मुझे तैयार नहीं करा। तो मैंने कहा बेटा अभी करूँगी तैयार, वरना आज संडे है तो अगर पापा इनके घर पे होते हैं तो आरू तो पापा से ही नहा लेती है। और बाबू देखिए दीदी के बाल काट रहे थे अपने, बाबू को कंघा मिल गया था, वो उसके सिर पे बार बार मार रहा था, और कितनी दोनों बहन भाई की मस्ती चालू है। डांस करो डांस करो डांस करो डांस करो, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप स्टैंड अप हो जाओ, स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप हो जाओ, स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप हो जाओ, आ जाओ
आ जाओ मैया 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 मैया, आओ मैया मैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ जल्दी से आ जाओ मैया मैया, आ जाओ आओ जल्दी से। और बच्चों को नहलाओ तो पूरा भीग जाओ, क्योंकि बच्चे तो भिगा देते हैं। आरू हमारी छप छप करती है, तो आरू ने भी भिगा दिया, बाबू ने भी सारे कपड़े भीग गए हैं। तो इधर मैं बना रही थी रोटियां, क्योंकि अभी एक बच चुका है और मैं रोटियां बनाऊंगी, और चावल मेरे बन चुके हैं तो रोटियां बनाऊंगी दो तीन, क्योंकि इनके पापा भी आए नहीं है, उनको थोड़ा टाइम लगेगा। और अभी एक डेढ़ बज चुका है, तो मुझे बच्चों को भी खाना खिलाना है, कि आरू तो थोड़ा टाइम लगाती है, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से रोटियां बना के पहले आरू को खाना खिला दे, उसके बाद में इनके डैडी आएंगे तभी हम लोग खाना खाएंगे, ये बच्चों को खिला देंगे, क्योंकि एक डेढ़ बज चुका है। तो आरू को खाना खिला देते हैं, रोटियां बनी है। और खाना तैयार होने के बाद में मैं इधर थाली लगा रही थी, तो देखिए थाली लग चुकी है और अब खाना खिला देते हैं बच्चों को। तो चलिए ठीक है, वीडियो को करते हैं एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। ओके बाय बाय।